नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए खबर 100 का करेंगे रुख। हाथरस कांड को लेकर सियासत तेज। राहुल गांधी और प्रियंका दिल्ली से हाथरस के लिए निकले, पीड़ित परिवार से मुलाकात की मांग। हाथरस रवाना होने से पहले प्रियंका गांधी का ट्वीट, लिखा पीड़िता के परिवार को नजरबंद किया गया, परिवार जांच से संतुष्ट नहीं। प्रियंका गांधी के डीएनडी फ्लाईओवर पहुंचने से पहले जुटे कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, जमकर की नारेबाजी, सड़क पर किया चक्का जाम। राहुल प्रियंका के डीएनडी पहुंचने से पहले ही उमड़ा कार्यकर्ताओं का सैलाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है ये फ्लाईओवर, योगी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। नोएडा के डीएनडी फ्लाईओवर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बड़ी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात, पुलिस की आधी रात कार्रवाई को लेकर जताया गया कार्यकर्ताओं ने गुस्सा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नोएडा डीएनडी फ्लाईओवर पर बैठकर की नारेबाजी, दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। हाथरस कांड पर तनाव को लेकर दिल्ली नोएडा दिल्ली फ्लाईओवर पर भारी पुलिस बल तैनात, विरोध प्रदर्शन की वजह से गाड़ियों का लगा लंबा जाम। हाथरस में प्रशासन ने लगाई धारा 144, हाथरस के बॉर्डर को सील किया गया, 5 से ज्यादा लोगों को एक साथ चलने का अधिकार नहीं। कल हाथरस पहुंची थी एसआईटी की टीम, मौका वारदात का लिया जायजा, पीड़ित परिवार से भी की मुलाकात। गैंगरेप पीड़ित का आधी रात अंतिम संस्कार को लेकर देशभर में गुस्सा है, पुलिस पर परिवार की रजामंदी के बिना आनंद फानन में अंतिम संस्कार करने का आया आरोप। हाथरस कांड पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का योगी सरकार पर निशाना, कहा यूपी में बेटियां सुरक्षित नहीं, राष्ट्रपति शासन की मांग। मायावती का आरोप, यूपी में दम तोड़ चुकी है कानून व्यवस्था, राज्य में बड़े स्तर पर बढ़ा है अपराध, लोग कहते हैं यूपी पुलिस के एनकाउंटर में ईमानदारी कम, राजनीतिक स्वार्थ ज्यादा। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का विपक्ष पर निशाना, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं राजनीतिक दल, राहुल प्रियंका को जाना चाहिए राजस्थान। यूपी के हाथरस में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, गांव के बाहर की नारेबाजी, पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। हाथरस कांड पर गुस्से में वाल्मीकि समाज के लोग, सहारनपुर में हजारों सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, चक्का जाम किया। गाजियाबाद में हाथरस की बेटी की आत्मा की शांति के लिए हवन, कलेक्टर दफ्तर के बाहर महिलाओं ने किया पूजा पाठ। जम्मू तक पहुंचे हाथरस कांड की आज, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। हाथरस की दरिंदगी पर देहरादून में विरोध, लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। हाथरस कांड के खिलाफ गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। शिमला में हाथरस की दरिंदगी के खिलाफ कांग्रेस और छात्रों का मोमबत्ती के साथ प्रदर्शन, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। हाथरस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस, मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल। पीएम मोदी ने हाथरस गैंगरेप मामले का लिया संज्ञान, यूपी के सीएम योगी से की बात, कड़ी कार्रवाई करने को कहा। सीएम योगी ने हाथरस कांड पर कार्रवाई का दिया भरोसा, कहा घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। सीएम योगी ने कहा एसआईटी 7 दिनों के अंदर देगा रिपोर्ट, जल्द न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस। हाथरस में पीड़िता के परिवार वालों से सीएम योगी ने की बात, आरोपियों को कड़ी सजा का दिया भरोसा। हाथरस गैंगरेप मामले में सीएम योगी ने पीड़िता के परिवार के लिए सहायता का ऐलान किया, परिवार को मिलेगी 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद। पीड़िता के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का भी ऐलान, मकान देने का भी किया गया ऐलान। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी, कहा बिना घर वालों की मर्जी के संस्कार करने पर अधिकारियों से मांगा जाए स्पष्टीकरण। यूपी में नहीं थम रही आपराधिक वारदात, बलरामपुर में लड़की के साथ गैंगरेप, वारदात के बाद युवती की इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी दोनों युवकों शाहिद और साहिल को किया गिरफ्तार, पीड़ित लड़की की दोनों आरोपियों से थी पहचान। बाराबंकी में कलयुगी पिता पर बेटी से दुष्कर्म का आरोप, पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद हड़कंप, कार सवार 5 लोगों ने घर से किया था अगवा। न्यूज नेशन की मुहिम का बड़ा असर, अनुराग कश्यप को आज पहुंचना पड़ा वर्सोवा थाने। यौन शोषण मामले में पुलिस ने कल अनुराग कश्यप को समन भेजा था, एफआईआर के 10 दिन बाद पूछताछ के लिए बुलाया। अनुराग से पूछताछ पर पायल के वकील का बयान, कहा अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी तय।
पायल घोष के आरोपों पर अब तेज हुई कार्रवाई। पायल घोष का आज मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। अनुराग के खिलाफ पायल ने लगाए संगीन इल्जाम। साल 2014 में यौन शोषण के प्रयास का आरोप। अनुराग पर आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज। अनुराग अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों से अब तक इनकार करते आए। दिल्ली पहुंचे सुशांत के दोस्तों को दिल्ली पुलिस ने रोका। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुशांत के दो दोस्तों को साथ ले गई पुलिस। सुशांत को इंसाफ के लिए भूख हड़ताल के लिए दिल्ली पहुंचे थे दोस्त। सुशांत के दोस्तों को आज राजघाट तक करना था मार्च। सुशांत के एक दोस्त ने निकाली पदयात्रा। सुशांत के पोस्टर लगाकर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सीबीआई की धीमी जांच से दुखी है परिवार। ड्रग्स केस में न्यूज नेशन का बड़ा खुलासा। ड्रग्स केस में आज सुपरस्टार के नाम सामने आए। सूत्रों से खबर, तीन और बड़े स्टार का नाम शामिल। एनसीबी जल्द भेज सकती है सुपरस्टार्स को समन। ड्रग्स केस को लेकर हो सकती है पूछताछ। कल बॉलीवुड के चार स्टार्स का नाम आया था सामने। ड्रग्स केस में अब एस नाम वाले सुपरस्टार का खुलासा। बॉलीवुड का है बहुत बड़ा स्टार, कई बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है नाम। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में एच नाम वाला सुपरस्टार भी बेनकाब। बड़ा डांसिंग स्टार है एच नाम का एक्टर। सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक एच नाम से है बड़ा सुपरस्टार। कई फिल्मों में किया है काम। फिटनेस के लिए भी अलग पहचान बनाई। बोलिविया के जंगलों में आग का स्वराम। 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जंगल बर्बाद। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में भी आग का तांडव जारी। रूस के वोरोनेज में आग का स्वराम। सैकड़ों की संख्या में फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। इस्तांबुल में आसमान से बर्फ की बारिश। सड़क पर बह रहा है बर्फ का दरिया। खराब मौसम के चलते इस्तांबुल में कई दिनों से हो रही है बारिश। पानी और बिजली की सप्लाई पर पड़ा असर। जंग के बीच आर्मेनिया का आरोप। तुर्की के विमानों ने उसके फाइटर जेट को मार गिराया। ओडिशा के भुवनेश्वर में मौसम का बिगड़ा मिजाज। 6 महीने के बच्चे की पानी पर स्केटिंग की तस्वीरों ने सबको किया हैरान। वीडियो वायरल। तालाब में मछली पकड़ने गए बच्चे के हाथ लगी बड़ी मछली। कांटे में मछली के फंसने पर बच्चा खुशी से झूम उठा। बारिश में भीगते खरगोश का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बारिश के मौसम में शरीर को सुखाने की तरकीब को किया जा रहा है पसंद। हाथी के बच्चों की मस्ती का वीडियो सामने आया है। हाथी का एक बच्चा खेलते खेलते दूसरे को पानी में गिरा देता है। चश्मे के शौकीन डॉग ने अपने मालिक के चश्मे पर किया हाथ साफ। हाथी के बच्चे का बर्थडे मनाने का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर लोग दे रहे हैं बर्थडे विश। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर किया सीज़फ़ायर वायलेशन। पुंछ के कृष्णा घाटी में सीमा पार से हुई फायरिंग। सांसद रवि किशन ने वाई प्लस सिक्योरिटी मिलने पर सीएम योगी का किया शुक्रिया अदा। कहा मैं आवाज उठाऊंगा तो खतरा बढ़ेगा ही। बाबरी केस में फैसला आने के बाद साध्वी विदंबरा वृंदावन के आश्रम पहुंची। लोगों ने किया भव्य स्वागत। एमपी के दमोह में युवती के साथ फरार होने वाले शख्स की पिटाई। युवती के घर वालों ने खूब किया बवाल। ग्रेटर नोएडा में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट। बिजली चोरी की सूचना की जांच के लिए पहुंची थी टीम। यूपी के सिद्धार्थनगर में वर्दी वालों के अवानियत। मानसिक तौर पर विक्षिप्त युवक को पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा। नैनीताल में शिकार की तलाश में गुलदार रिहायशी इलाके में जा घुसा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बड़ी लापरवाही। जेल में बंद कैदी की हत्या से हड़कंप। कानपुर में पुलिस ने मुन्ना भाई गैंग का भंडाफोड़ किया है। 7 आरोपी पुलिस के हत्थे चले। यूपी के गाजीपुर में बिजली विभाग के निजीकरण पर विरोध प्रदर्शन जारी। कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। देश भर में 63,12,000 से ज्यादा हुई कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 98,000 से ज्यादा मौत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 86,821 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना के 3,390 मामले 24 घंटे में। यूपी के भदोही में सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 100 बेड के अस्पताल का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 18,317 नए कोरोना के मामले सामने आए। दुनिया भर में कोरोना की संख्या में लगातार इजाफा। संक्रमितों की संख्या 3,41,00,000 के पार। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,11,000 हुई। अदा शर्मा ने सोशल मीडिया पर स्टिक को स्पिन करते हुए एक वीडियो किया शेयर। कार्तिक आर्यन का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में कार्तिक अपनी लाइफस्टाइल बताते आए नजर। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा का नया गाना बेबी गर्ल हुआ रिलीज। मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई एक्ट्रेस क्रिस्टीन डिसूजा कैमरे में कैद हुई।
जिम में टाइगर श्रॉफ के बैकफ्लिप का वीडियो हुआ वायरल। मौनी रॉय ने अपने बर्थडे की शाम को स्लो मोशन वीडियो फैंस के लिए किया शेयर। नोरा फतेही और कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस का 70 के दशक के गाने पर डांस हुआ वायरल। इंस्टाग्राम पर हुए 17 मिलियन फॉलोअर्स। युजवेंद्र चहल की मंगेतर धनाश्री का एक और डांस वीडियो हुआ वायरल। डॉक्टर धनाश्री ने बादशाह के गाने पर किया डांस। उर्वशी रौतेला की पहली तेलुगु फिल्म ब्लैक रोज का नया गाना हुआ रिलीज। लंबे अरसे बाद कैमरे में कैद हुई सुजैन खान बेटे के साथ नजर आई। कोरोना के खतरे का रखा गया। शेयर बाजार में शुरुआती दौर में रौनक। सेंसेक्स में फिलहाल 560 अंकों से ज्यादा की बढ़त। डीजल के दाम में आज थोड़ी और राहत। दिल्ली में डीजल के दाम 10 पैसे घटकर 70 रुपए 53 पैसे हुए। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत। सीबीडीटी ने 30 नवंबर तक बढ़ाई है डेडलाइन। पुणे की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सभी कर्मचारी सुरक्षित निकाले गए बाहर। मुंबई की जनक मार्केट में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने पाया काबू। यूपी के उन्नाव में खाकी की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। घर में घुसकर की तोड़फोड़। गाजियाबाद में नशे में धुत रोडवेज कर्मी ने किया संसार। बस में युवती से की छेड़छाड़। यूपी के भदोही में दरोगा की शर्मनाक करतूत। दरोगा ने ली 5,000 रुपए की रिश्वत। लखनऊ में शराब के नशे में हेड कांस्टेबल ने युवक पर की फायरिंग। पैर में लगी युवक को गोली। गाड़ी पार्किंग को लेकर पड़ोसी युवक के साथ हुआ था विवाद। आरोपी हेड कांस्टेबल ने डायल 112 में तैनाती है। बागपत में आपसी विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या। दूसरा युवक बुरी तरह से जख्मी। यूपी के कौशाम्बी में महिला की संदिग्ध हालत में मौत। पत्नी की मौत के बाद पति ने भी की खुदकुशी।